कहते हैं ना कि ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। हैंडसम बाबा के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धाम को अगर आप पगड़ी पहनाना चाहते हैं तो आपको 2,51,000 रुपए देने होंगे, और अगर चरण पखाड़ना चाहते हैं तो निकालिए 1,51,000 रुपए। और यही नहीं, यजमान सेवा अगर करनी है तो दीजिए 1,00,000 रुपए, और फूल चढ़ाने हैं तो रेट है 1,10,000 रुपए। और ये सभी चीजें बकायदा पोस्टर बनवाकर दाम की घोषणा की गई है। और यकीन मानिए, ये रेट किसी महंगे शोरूम में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़ों या गहनों की नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर चल रही दुकान में भक्ति का सौदा है। बाबा की रेट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। वैसे तो आए दिन बाबा के कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें उन्हें प्रभु की जगह बाबू सुनाई दे जाता है, तो कभी वो खुद को बाबा नहीं ढाबा कह देते हैं। कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आग ही लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम से मिलने जा रहे हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और बस इतना ही नहीं, एक बार तो बाबा जी ने ये भी कह दिया था कि आप अपनी लुगाई और बच्चे को छोड़कर सब कुछ मेरे नाम कर सकते हैं, क्योंकि दान लेना तो ब्राह्मण का धर्म है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षटकर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की FD खुलना, रुपया बंदे रुपया, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। धर्म के नाम पर लूटपाट कोई नई बात नहीं है। न जाने कितने ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने धर्म को सिर्फ धंधा बनाकर रख रखा है। किसी अच्छे काम के लिए किसी से 10 रुपए भी मांगिए तो 50 सवाल करेगा, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। जरा धर्म के नाम पर मांगिए, देखिए कैसे अपनी जेब आपके सामने उलट कर रख देगा और आपका ही एहसान मानेगा। वैसे अद्भुत संसार है इन बाबाओं का, इन्हें देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जिस तमाशे को सड़क पर दिखाकर कोई मदारी बेचारा 20 रुपया भी नहीं कमा पाता है, उसी तमाशे को धर्म की चाशनी में भिगोने के बाद अंधविश्वास का वर्क लगाकर बेचिए, फिर देखिए कैसे धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात की बारिश होती है। सोशल मीडिया पर जब ये ज्यादा वायरल होने लगा तो बाबा जी ने इससे किनारा कर लिया। बाबा बागेश्वर धाम की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि यूपी के ललितपुर में जिन लोगों ने कार्यक्रम रखवाया था उन्होंने ही ये रेट लिस्ट जारी कर दी है, और रेट लिस्ट का पता चलते उन्होंने ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रेट लिस्ट वायरल नहीं हुई होती क्या तब भी ये कार्यक्रम कैंसिल हो जाता? खैर, लोग तो फिर भी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ ही जाते हैं और मेहनत से कमाया हुआ अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे इनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। हमें इन लोगों के धंधे से बचना चाहिए और लोगों को बचाना भी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।